अरे यार वो सितारा है यार, देख लेना कि सब ठीक है ना वहां पर। यार यार उस दिन देखा तो था सब ठीक है। तुम जैसा लाओबाली बंदा किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? इट्स अ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट बाय द वे। मेरी मानो तो सब छोड़ो और अपने काम पे फोकस करो। अरे नहीं यार, मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब फोन पर बात हुई थी ना, वो सोचकर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सालार, अच्छा मैं यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछ लूँ। नहीं, कॉल नहीं करना, वहां जाकर देखना है। क्या देख लूँ? यार जुनेद, मेरी बात सुन, मैं चाहता हूँ कि वो सेफ रहे, किसी मुश्किल में ना पड़े। पहले ही मेरी वजह से उसकी जिंदगी में इतनी गड़बड़ हो चुकी है। अच्छा सालार, आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? ओके बाय। और डैड को लगता है कि वो इसे साहिबा मिर्जा के लिए मना लेंगे। बड़े चौक। ऐसी बात है ना, जो लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं वो अपनी माँ को भी खटकते हैं। जी अब खुद को ही देख लो, नौकरी नहीं करते ना तुम तो। नजमा कैसे तुम्हें बेदाम के गुलाम की तरह जरा जरा सी चीजों के लिए घुमाए घुमाए फिरती है। अरे नहीं, मोमानी जान, निमी ने मुझे किरण की ज्वेलरी देने के लिए भेजा था, सामान में रह गई थी। ये तो इमिटेशन है, काली भी पड़ गई। ये तो हमारे लिए भी इतनी जरूरी नहीं थी। 2 टके की चीज के लिए तुम्हें कैसा निम्मी ने घुमाया। अभी कल भी तो आए थे ना तुम सितारा का दुपट्टा लौटाने। हाँ, वो भी हमारे सामान से मिला था। एक मेरी बात सुन लो, चाहे कितनी भी ज्वेलरी और दुपट्टे लौटाने आ जाओ, डोली नहीं जाएगी तुम्हारे घर। मोमानी जी, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? तुमसे वाह, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तुम कहाँ चल दी भाई? मैं सना के पास जा रही हूँ। अच्छा, अरे तो फिर ये क्या है? साफ साफ बोलो ना कि फॉर्म जमा करवाने जा रही हो। नहीं वो क्या, नहीं वो, चुप करके घर में बैठो, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। फॉर्म दो इधर, मुझे जाना है यूनिवर्सिटी। कहाँ जाना है? मना वो काम से जाना है सोहेब। करी ना ताई अम्मी, तो मानती क्यों नहीं? जुहेब, मेरा जाना जरूरी है, आज आखिरी डेट है फॉर्म की। अरे आखिरी डेट है, निकलती है तो निकल जाने दो, तुम अंदर जाओ। जरा मैं भी तो देखनी है। खबरदार, अगर मेरे फॉर्म को कुछ किया तो सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। मेरी बात सुनो, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूं? अंदर जाओ, आज मेहमान आ रहे हैं। अरे क्या हो गया मोमानी जान, क्यों बिला वजह रोक रही हैं से? लाओ दो, मैं जमा करा देता हूं। सुनो बेटा, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद निपटा लेंगे। तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मा इंतजार कर रही होंगी। मोमानी जान, ये आपके घर का मामला नहीं है, इसकी जिंदगी का मामला है और ये इसका हक है। सुनो बेटा, बस रहम करो, अब तुम्हारा ही लेक्चर सुनना रह गया था। जो लड़की लड़कियों के कॉलेज में पढ़कर ये चांद चढ़ा सकती है ना, उसे हम लड़कों के साथ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं भेज सकते हैं कि वहां भी गुल खिलाए वो। खरे मोमानी जान, अगर आप नहीं भूलेंगी तो लोग कैसे भूलेंगे? और जोएब, तुम अपना दिल बड़ा करो, बहने तुम्हारी, जाने दो इसे। जोएब के पास टाइम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी लाने ले जाने नहीं कर सकता इन मैडम के, वैसे भी दुकान पर बहुत काम है, हर्ज होता है माँ। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, कोई मसला ही नहीं है। जोहेब तुम एक काम करो, दुकान संभालो, मैं सितारा को पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा। नहीं,
तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है मुझे। मैं खुद जिम्मेदारी से अपना आना जाना कर सकती हूँ जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। अरे सितारा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे फेवर में। मुझे तुम्हारे फेवर की भी जरूरत नहीं है। सितारा अंदर जाओ। रुको, मुझे तो ये क्या कर रही हूँ। ये परेशान मत हो, मैं जमा करा दूंगा। तुम चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। क्या ऐसे घूर रही हो? हाँ खाओगी? बिल्कुल ही तमीज तहजीब भूल गई ये लड़की तो। आओ बाहर तो आओ, बात तो सुनो। बाहर आपको नहीं पता मेरा बाहर निकलना कितना अजाब हुआ है। सुहेब अभी तुम छोटे हो, ना तुम्हारी अकल और ना ही तुम्हारी उम्र मुझ जितनी है। बात समझने की कोशिश करो यार। खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। सारा दिन घर में रहेगी तो उल्टा सीधा सोचती रहेगी, अच्छा है यूनिवर्सिटी जाए, दिमाग तो बटा रहेगा मेरे भाई। और लोग? लोगों की तो उनका क्या काम हमारे मामलात में दखल दें। हाँ हमारे घर की लड़की है ना, हम माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। और मुझे एक बात बता, गलती किससे नहीं होती? मुझ पे भरोसा रख, मैं हूं ना रोज पिक एंड ड्रॉप कर लूं। सलमान भाई ताई उसकी शादी करवाना चाह रही है। अरे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे जो आला जर्फ रखता हो तो, जो उसके गलतियों के बावजूद उसे माफ करे, उसे मोहब्बत दे, उसे इज्जत से रखे, उसे समझे। ऐसा कौन करेगा? मैं हूं ना, मैं तुझे समझाता हूँ मेरे भाई। जिसके घर में बहन होगी और वो अपनी बहन का दुख और दर्द दोनों समझता होगा, वो माफ भी करेगा और मोहब्बत के साथ इज्जत भी देगा। आई मेरी बात समझ? प्लीज समझने की कोशिश करो सुहेब। देखो अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ा बड़ा सोचो। माँ को क्यों तंग कर रहे हो बेटा? मैंने कहाँ तंग किया नानी। भाई तुम नानी से बात कर रहे हो, बहन बहनोई से बात कर रहे हो, तो माँ से भी बात कर लो ना। जब उनको पता चल गया है कि मैं सेफ एंड साउंड पहुंच गया हूँ तो मैं और क्या बात करूँ उनसे? क्या मतलब क्या बात करूँ? भाई जो बातें मुझसे करते हो वही करो ना। अरे नानी उनसे फॉर्मल डिस्कशन करते हुए ना मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, और ऊपर से आप मुझसे ऐसी बातें करने को कह रही हैं। देखो बेटा तुम्हारे माँ बाप हैं, बात करोगे उनसे, टाइम दोगे उनको, कंफर्टेबल भी हो जाओगे और बॉन्डिंग भी हो जाएगी, है ना? बॉन्डिंग बनाने की एज में उन लोगों ने बाउंड्रीज बना दी थी, अब आप मुझे खुद बताएं कि इस रिलेशनशिप में मैं कंफर्ट जोन कहां से लाऊं? इतनी शिकायतें तुम नानी से कर रहे हो, तुम मुझसे कर लो। मॉम आप नानी जान के घर क्या कर रही हैं? सुबह से यहाँ बैठी है मेरे घर पर, समझती है कि मैं तुम्हें भड़काती हूँ इसके खिलाफ। नानी जान ये गलत बात है, आपने मेरे साथ गेम की है। गेम तो मैं जब करती ना बेटा, जब मैं तुम्हारी बात इससे करवाती। मैंने तो इसको इसलिए सुनवाया था कि इसको पता चले कि मैं कितना वर्गलाती हूँ तुम्हें इसके खिलाफ। तुम घर से तो ठीक ठाक गए थे, तो अब किस बात की नाराजगी है? नाराजगी नहीं है मॉम, बस बिजी था मैं। बिजी तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वक्त है मेरे पास। और बताएं कैसी हैं आप? How's everything? तुम बताओ तुम कैसे हो? लंच और डिनर टाइम पे ले रहे हो ना? हाँ हाँ I'm okay, खाना वाना भी खा लिया, बस थक गया हूँ, सोने जा रहा था। नानी से बात करते हुए तो नींद नहीं आ रही थी, मुझसे बात करते हुए फौरन नींद आ गई। जो मर्जी समझ ले मॉम, मैं कल आपको कॉल करूंगा। ओके अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? बंद कर दिया।